ये फंड गालियां सुनने के लिए करती हूँ, गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? आराम करने हाँ जी क्या बोलोगे सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो जो भी काम का बहन जी ने, इन्हें क्या सेट बनाने के लिए, मैं सेट बनाने के नोट कर लिए, मैं सकती हूँ मार्केट में रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ, जो भी काम का मेरा सारा काम सर सेट बनाने के लिए काम है, सेट बन जाएगा जी, जो भी मैं। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में रिपोर्ट लिखो, थप्पड़ मारा है मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुल्तान सिंह जी को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री, देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को भाजपा के कार्यकर्ता जाकर पीट कर आएंगे, बेइज्जत करके आएंगे? हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची? इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा, तो साबित हो जाएगा कि ये भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं। आप वातानुकूलित कमरों में बंद बैठे हैं और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर आपके नेता और नेत्री गाली गलौच और हमला कर रहे हैं, इससे शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए हो ही नहीं सकती। क्योंकि दो या तीन दिन से जब से चने की परचेज यहाँ पे हैफेड कर रहा है, और यहाँ पे परेशानियाँ काफ़ी आ रही थी। एक किसान अपने चने जो है तोल के लाया था घर से, तो उसको जब तुलाई में गड़बड़ मिली, हर कट्टे पे 5-5 किलो चना उसका ज़्यादा चला गया और चने कम हो गए, तब उसने शिकायत की। ये इस तरह के मामले, जैसे पानी नहीं मिला उनको पीने को, 4-4 दिन से किसान बैठे हुए हैं, टोकन मिलने के बावजूद उनकी परचेज नहीं हो रही, और चनों को ऐसे कह के छोड़ दिया जाता है कि ये चना का रंग खराब है, ये चने में कच्चा है, ये टूटा है, तो मतलब किसान कहाँ लेके जाएगा अपना चना? और उस अनाज की बातचीत जो चल रही थी उसमें फिर बाद में जब डीसी साहिबा ने इनको हिदायत दी कि ठीक ढंग से जांच करके चने की खरीद हो, तब उनकी डांट इन लोगों ने सुनी, तब परचेज शुरू हुई और वही चना फिर खरीदा गया। क्या वो चना बाद में ठीक हो गया? तो ये सब मामला देखिए, कल मैं भी देखने गई थी, और मैं इसलिए देखने गई थी क्योंकि आदमपुर विधानसभा के कुछ गाँव इस मंडी से लगते हैं, हिसार की मंडी से, और आदमपुर की बजाय इसार आते हैं, जो बालसमंद खरिया डोबी ये वाले गांव। बार बार वर्कर्स के फ़ोन आ रहे थे, और आप लोगों को जानकारी होगी जहां किसान के हित की बात आती है और जहां पे किसान को परेशान किया जाता है, वहां पे मैं हमेशा पहुंच जाती हूं, और मुझे कुछ भी करना पड़े चाहे मैं उसकी आवाज़ को उठाती हूँ हमेशा। समस्या का हल करने के लिए हमने ये प्लान किया कि जो बालसमंद में परचेज सेंटर है, मंडी है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया हुआ है, लेकिन उस पर शेड नहीं लगा हुआ, और शेड नहीं लगने की वजह से वो परचेज सेंटर रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि चने के अगर ऊपर पानी की बूंद लग जाए तो चना उग जाता है, तो चना खराब हो जाता है। इसीलिए परचेज सेंटर में असुविधा थी शेड की और गेट की, वहाँ पे लोग कूड़ा कचरा भी डालने लगे थे, और वहाँ पे दो परचेजर हैं भी, आड़ती हैं, तो उन्होंने मांग भी की हुई थी, तो हमने मंत्री जी से भी बात की थी जब जेपी दलाल जी आए थे। और दूसरा, कल मैं जब मंडी हिसार में गई थी अनाज मंडी में, तब उस समय मेरी महावीर जांगड़ा जी जो चेयरमैन है उनसे बात हुई। महावीर जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर बजट की कमी नहीं है बहन जी, आप थोड़ा सा प्रयास करो और बालसमंद वाला हम चलवा देते हैं, और उसके जो काम बाकी बचे हैं वो करवा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, एक बार आपके मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब से इनसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उस समय जयपाल जी जो अपने सुपरवाइज़र हैं, जयपाल जी बोले हाँ मैडम जी, ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, और आप तो वैसे भी किसानों के हित की आवाज़ हमेशा ही उठाती हो, तो ये काम आपके हाथों हो जाए तो थोड़ा सा ठीक है।
तो मैंने कहा जी मैं प्रयास करती हूँ, मैं कल आती हूँ फिर मिलने। तो जयपाल जी बोले ठीक है जी। उस समय मेरे को सेक्रेटरी साहब मिले नहीं थे उस समय, फिर मैं गई हूँ सुबह सुबह, तब आए नहीं। मुझे एक घंटा वेट मैंने किया, मैंने कहा चलो आ जाएंगे मिल के ही जाऊँगी। एक घंटे बाद वो आए, फिर हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने सच में बहुत अच्छा बर्ताव उस समय हमारे साथ किया, कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि मैं रणदीप सुरजेवाला जी के साथ 10 साल काम की हूँ और एक साल में सुहास बराला जी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। और बोले आपके बीजेपी के वर्कर तो थोड़े से ऐसे ही होते हैं, मैं उनको भगा देता हूँ। उन्होंने ये बात की आज जब मतलब सुबह आज सुबह जब मैं मिलने गई थी मिलने। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, पार्टी वार्टी अलग जगह है, आप अपना अब मार्केट कमेटी का ये जो काम है आपको करना है, शेड वाला, किसानों के हित की बात करनी, पार्टी की बात नहीं करनी। तो बोले ठीक है मैडम जी, आप ठीक अच्छा सोच रही हो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ और बजट है और जेई को बुला लेते हैं। तो जेई को जैसे बुलाया तो उनका उनसे फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, वो कहीं गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो जेई को रहने दो, आप ही लिख लाएंगे डायरी में, नोट कर लाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, वो बाद में जाके निरीक्षण कर लेंगे। उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए, एक एक चीज़ डायरी में नोट हुई, बीजेपी कार्यकर्ता मेरे साथ थे, 4-5 गाड़ियाँ थी मेरे साथ जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता थे और उधर सेक्रेटरी। एक मिनट रुकूंगा, आपको इस बात का जवाब जो सभी को चाहिए था कि इन्होंने वहाँ पर गाड़ी में कुछ जो उनका कहना है कि कुछ गुंडों को साथ लेकर घूम रहे थे, सो इन्होंने जवाब दे दिया है कि भाई वहाँ पर मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे। सो मैम ये जवाब एक बार दोबारा बता दीजिए। वहाँ पे मेरे साथ बीजेपी के वर्कर थे जो काली रामन गांव से थे और चिकनवास से थे, मंडल अध्यक्ष के साथ थे 5-6 लोग और दूसरे मंडल अध्यक्ष हैं बाणसुमंद मंडल के, क्योंकि बूस मंडी में जा रहे थे बाणसुमंद मंडल में, तो दो मंडल अध्यक्ष और उनके साथ 10-10 लोग हमेशा मौजूद रहते हैं मंडल अध्यक्षों के साथ। और जब भी मैं जाती हूँ विधानसभा में तो हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष साथ होते हैं, हर मंडल में उनकी जिम्मेदारी होती है जिस मंडल में भी जाएँ। तो बीजेपी वर्कर 4 गाड़ियों में थे हमारे साथ और आराम से हम लोग गए थे। और अगर वो गुंडा कहते हैं, अगर वो बीजेपी वर्कर इतने सीधे हैं उनको गुंडा कहते हैं तो वो क्या है? वो बार बार रणदीप सुरजेवाला की धमकी देते हैं कि रणदीप सुरजेवाला का मैं वर्कर हूँ और आपकी ऐसी तैसी करा दूँगा, तो वो उससे बड़ा गुंडा तो कोई नहीं है। लेकिन गुंडे को मतलब भी सबक सिखाने वाले लोग बैठे हैं तो ऐसे गुंडागर्दी चलेगी नहीं। मैम अभी अचानक ऐसा क्या हुआ? ये बात तो रही यहाँ से जानने की, आप वहाँ पहुँच भी गए, उन्होंने वहाँ पहुँच गए, अचानक ऐसा क्या हुआ? सारा कुछ लिख लिया और मैंने उनकी तारीफ भी की। मैंने कहा जी सुल्तान जी आप बहुत अच्छे आदमी हो और आपने देखे कितने इजीली सारी चीज़ें कर डाली और जल्दी अगर बढ़ जाता है तो किसानों के हित की बात है, ये किसान को सुविधा हो जाएगी बाणसुमंद की मंडी में। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो मुझे बोले ये फ्लोर आप देखिए, इस फ्लोर का एक स्टेप उठा देते हैं। तब तक चाय बन चुकी थी, वहाँ पर चेयर जो थे उन्होंने चाय बनवा ली थी। मैंने सबको वर्कर्स को मैंने कहा तुम लोग चाय पी लो भाई, मैंने चाय छोड़ रखी, मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी आप लोग पी लो। और उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो मैंने वो मेरे को दिखाते दिखाते उस फ्लोर पर चले गए। फ्लोर पर जाते ही और उन्होंने कहा ये शेड पूरा यहाँ पर लगना है और ये चीज़ें होनी है। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो 2-4 वर्कर थे वो दूरी पे थे, वो मुझे कहने लगे अचानक कि आपके जो ये कमलेश ढांडा है कैसे मिनिस्टर बनी है, मैं आपको बताता हूँ इनकी स्टोरी, ये आपके बीजेपी में तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं और ये जो चेयरपर्सन है जो कृष्णा गहलोत जी, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन कृष्णा गहलोत जी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए, फिर कमलेश ढांडा जी के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए। सुल्तान जी मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी मान रही थी, ये क्या बातचीत? बोले अरे आप समझते नहीं हो, आपको क्या ज़रूरत है बाहर धूप में घूमने की, क्यों धूप में कर रहे हो, आपको तो सब घर पे मिल जाएगा आराम से। तो मैंने कहा जी मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है, इस विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा है तो मेरे लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मुझे काम करना है और आप ये गलत शब्द इस्तेमाल ना करें महिलाओं के बारे में। उसके बाद वो तैश में आ गए और उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट किया, मेरे साथ अश्लील हरकत भी की उन्होंने और मुझे इतने गंदे शब्द उन्होंने कहे जो मैं कह नहीं सकती। और जो लोग भी सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला
किसी को ऐसे ही थप्पड़ नहीं मार देगी। मैंने आप में से किसी को थप्पड़ नहीं मारा, ये जो बैठे हैं मेरे साथ इनको थप्पड़ नहीं मारा, आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा। तो क्यों, मैं क्या उनसे मेरी कोई दुश्मनी थी? मैं तो पहली बार मिली थी आज उनसे, मैंने क्यों थप्पड़ मारा उनको? कोई तो वजह रही होगी, वो शब्द मैं बता नहीं सकती जिस वजह से मैंने उनको थप्पड़ मारा। उन्होंने मेरे साथ जो हरकत की उस वजह से मैंने उनको थप्पड़ मारा। और आपके घर की भी कोई महिला होगी ना, तो वो ज़रूर उसकी चप्पलों से धुलाई करेगी। आगे भी अगर कोई महिला खुददार महिला होगी तो ज़रूर चप्पलों से धुलाई करेगी, क्योंकि सहन नहीं कर सकता कोई भी इतने घटिया शब्द। क्या मैं राजनीति में हूँ तो गंदे शब्द सुनने के लिए हूँ क्या? मैं राजनीति में हूँ तो गंदे शब्द सुनने के लिए हूँ? उधर देखिए, बीजेपी का हर वर्कर, पूरा जिला मेरे साथ है, सब लोग घर पे आए और उन्होंने कहा बहन जी हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे। इस आदमी ने नाक में दम किया हुआ था, बीजेपी वर्कर को हमेशा इंसल्ट करता था, इन लोगों ने मुझे आके सारी बातें बताई। बोले ये आज की कहानी नहीं है। और एक बात और, जो लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं, जो कुलदीप बिश्नोई के सपोर्टर हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, जो कह रहे हैं गलत किया, तो उसके बारे में मैं बता दूँ, 6 महीने पहले हांसी थाने में इसके खिलाफ एक महिला ने FIR करवाई अश्लील हरकत करने की। ये आदमी पहले भी ये हरकत कर चुका है, आज दूसरी बार मेरे साथ ये हरकत इसने की। 6 महीने पहले इनके खिलाफ FIR है हांसी थाने में, हांसी की एक महिला ने इनके खिलाफ FIR करवाई गई है। तो क्या कितनी महिलाएं बर्दाश्त करेगी? उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं बर्दाश्त करने वाले में नहीं हूँ। अब अगला इसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है।